नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुंबई अंधेरी में आयोजित हुआ एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड 2022। पत्रकारिता जगत से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र खन्ना, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी है और कई शॉर्ट फिल्म, लघु पिक्चर और सीरीज बना चुके हैं, उनके द्वारा हाल ही में 29 दिसंबर को एक एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड 2022 का आयोजन मुंबई के अंधेरी स्थित मेयर हॉल में किया गया। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां वहां पर पहुंची, जिसमें विशेष तौर पर हॉलीवुड फिल्म मेकर जय डोगरा, धर्मगुरु प्रभु मधुबंगल दास, सोशल वर्कर अनिल काशी, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर नीलू कुमार के हाथों दीप प्रज्वलित हुआ और उसके बाद में कई म्यूजिक से जुड़े लोगों को अवार्ड दिए गए। इस अवार्ड फंक्शन के बाद देवेंद्र खन्ना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अक्सर बार फिल्मों को अवार्ड मिलता है, फिल्मों में काम करने वाले आर्टिस्टों को अवार्ड मिलता है, लेकिन किसी ने संगीत कंपोजर को या संगीत जो कोई लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं उनको अवार्ड नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं ये उनके कला के साथ में थोड़ा अन्याय है, थोड़ा उनको दरकिनार कर दिया जाना कहा जाता है। तो इसी बात को ख्याल में रखते हुए उनको ये ख्याल में आया और उन्होंने ये एक अवार्ड उन लोगों के लिए जो पर्दे के पीछे से इस तरह के म्यूजिक संगीत कंपोज करना या इस तरह के जो बड़े बड़े काम है वो करते हैं उनको ने दिया है। आपको बता दें, देवेंद्र खन्ना इससे पहले भी कई तरह के अलग अलग अवार्ड लोगों को देते आए हैं और इस तरह के कार्यक्रम करते आए हैं। हाल के सालों में भी इन्होंने ऐसे कई कार्यक्रम किए हैं। अभी वीडियो में आप देखिए इस कार्यक्रम की झलकियां और सुनिए अवार्ड में शामिल हुए लोगों के विचार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। तो कैसा लगता है कि म्यूजिक अवार्ड सबको म्यूजिक देने के अवार्ड दे रहे हैं, क्या है तो इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है म्यूजिक। अच्छा। जो एवरग्रीन है और वो एवरग्रीन रहेगा, उसके अंदाज भले बदल जाते हैं। और आज भी सबसे प्रिय दोस्त लोगों का दुनिया में कौन है? संगीत है। तो मुझे लगा कि संगीत के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, अवार्ड किया जाए, क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े लोगों को लोग तो अवार्ड मिलता है, फिल्म फेयर वगैरह ये बड़े अवार्ड लोगों को देते हैं, लेकिन म्यूजिक बनाने के गाना बनाने के लिए पीछे एक गीतकार का हाथ होता है, एक म्यूजिशियन का हाथ होता है, कंपोजर का, एक जो इंजीनियर है उसका हाथ होता है। तो उनको लोग भूल जाते हैं, तो उनको याद करने के लिए मैंने ये अवार्ड शुरू किया है। इंशाल्लाह पहली बार थोड़ा कमी ज़रूर रही होगी, लेकिन अगली बार ऐसे ऐसे फनकार आपको मिलेंगे इस अवार्ड में देखने को, ये मेरी कोशिश है। सर, आपने अरोही की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि मदर के ऊपर, मदर को गोद लेने के ऊपर बनाई है, ये आपके दिमाग में कैसा क्या आया? कभी नहीं सोचे हमने कि ऐसी शॉर्ट फिल्म बनेगी जो कि दिल को छूने वाली। ये मैं आपका इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब है कि आप उस फिल्म के कमेंट बॉक्स में जाइए। लोगों ने लिखा है कि हमने 100 साल से फिल्में देखी हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये फिल्म हमने ऐसा नहीं देखा है। मैंने भी देखकर बहुत चंकित हो गया कि एक बेटी मदर को ले रही है, लेकिन लोग मदर को छोड़कर जाते थे और मदर को ले रही है, तो ये दिमाग कहाँ से आया आपको, दिलो दिमाग में? मैं जब 10 साल पहले उस वृद्धाश्रम में गया था और वहाँ मैंने कई माओं से मुलाकात की, कई लोगों से मैं मिला, तो उनका दर्द ऐसा था कि मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं थे, मेरा जबान बंद हो गई थी और मैं बाहर आकर भी आधे घंटे तक सोचता रहा यार क्या है। उनमें एक लेडी थी जिसके बेटे पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन वो कोई देखने वाला नहीं आता था। तो मुझे वहीं से ये आइडिया आया कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, तो मैं इसके लिए ये सब्जेक्ट चुना और मैंने बनाई। और अब मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब देखें और उसके कमेंट लिखें और इसको मेरे चैनल जो ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स है उसको। करना पड़ा आपको इसमें? मेहनत बहुत करनी पड़ी सर, बहुत लंबी कहानी है, मेहनत बताने जाऊंगा तो आपका पूरा दिन चला जाएगा सर। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, दर्शकों से, कि ये फिल्म देखें, ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स बैनर चैनल पर ये फिल्म है, आप जरूर देखिए। देवेंद्र जी, खास करके आपने जो आरोही बनाई है, तो अभी के जो यंग जनरेशन है उसके लिए आपका क्या संदेश है आरोही से लेकर? आरोही देखकर मैं समझता हूँ अगर कुछ लोग भी इस तरह का प्रयास करेंगे कि
वृद्धाश्रम से किसी माँ को किसी पिता को अगर लाएंगे अपने घर तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास जो है सार्थक हुआ। देवेंद्र जी वो ना भी लाएं अगर अपने माता पिता को भी सुरक्षित इस तरह से रखेंगे तो हमारी इस फिल्म की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट उठाया एकदम ज्वलंत है। लोगों के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, घर की मकानों की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ वो अपने उन माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया पाला पोसा, उनकी इस एज में आके वो कदर नहीं करते और अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। अगर वो अपने दिल से लगा के उनकी सेवा करें उनकी उम्र भी बढ़ेगी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। देवेंद्र जी शुरू से एक ख्याल लेके चले और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, पिक्चर मैंने देखी है, अगर आपकी पिक्चर देख के घर में सुख शांति आएगी तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है, और कोई गोद ले ले तो बड़ी बात है। जानव जी। द फैक्ट इज एवर ग्रीन म्यूजिक अवार्ड्स अपने आप में एक अद्भुत चीज़ की है भाई साहब ने। मैं कहता हूँ आज इतने फनकार अपने देश में, एवरी बडी नीड्स टू बी अपलॉडेड। और दादा आप जो कर रहे हैं इट्स समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। म्यूज़िक अपने खून में है, इट्स हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। एंड अगेन कीपिंग यू पोस्टेड, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से आप आगे लेके इस चीज़ को बढ़ रहे हो इट्स अमेजिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई होप यू कीप डूइंग वंडरफुल जॉब। थैंक यू सर, आप आए, आप आना ही हमारे लिए। नहीं नहीं सर, मेरा सौभाग्य आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया आज। अच्छा सर, आपको कितना म्यूजिक का नॉलेज है, जब आप बोलते हैं तो कुछ तो होगा, तो इस तरह आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। राव साहब आप गलत आदमी को पूछ रहे हो। राव साहब हर आदमी अपने फन में एक अद्भुत काम करता है। ये बोलना कि अनिल मुरार का कुछ म्यूजिक के बारे में जानता है, आप म्यूजिक को गाली दे रहे हो। म्यूजिक लवर आज हर कोई है ना, तो म्यूजिक लवर याद रखता है ना, अनाड़ी गाना सब कुछ सीखा हमने, ऐसा कुछ गाना। देखिए आप गाने में मत जाइए, हम सब कुछ रोज सीखते ही हैं। जिंदगी में हर पल हर मिनट हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ये कारवा है जिंदगी का जो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा अभी जो रीमिक्स कर रहे हैं पुराने गाने, आपको क्या लगते हैं? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। जी आई वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मैं वहाँ बैठी थी और मैं इन्जॉय कर रही थी सभी आर्टिस्ट को देख के स्टेज पे। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि मैं एक सिंगर बनूँ, बट आई रियलाइज दैट आई एम अ बाथरूम सिंगर। बट येस आई लव म्यूज़िक एंड आई वाज रियली इन्जॉइंग, सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, इट वॉज अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। अभी हम एक बड़ा शो करने जा रहे हैं मिस और मिसेस, उसमें ये मेन जूरी हैं, जज हैं, तो उसके बारे में भी आप बोल सकती हैं। यस, और वो शो के लिए मुझे याद है आपने बताया है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इतने सारे मॉडल्स जो है, इतने सारे विमेन जो है, जो स्टेज पे आके कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं, आई वुड लव टू ट्रेन देम, आई वुड लव टू यू नो स्पेंड टाइम विद देम एंड एन्जॉय द शो। सो येस आई एम इक्वली एक्साइटेड टू कम एज अ ज्यूरी एंड लुकिंग फॉरवर्ड देवेंद्र जी टू वर्क विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम अनीता शर्मा है और वैसे मैं गुजरात से ही हूँ और मुझे गुजराती शकीरा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये जो अवार्ड मुझे मिला है, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कई अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन ये अवार्ड्स के आगे बॉलीवुड लगा हुआ है, तो बॉलीवुड का बेस्ट मतलब कमिंग अप फ्यूचर सिंगर, मतलब मेरा डेब्यू आ रहा है टिप्सी, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे ये पहला अवार्ड फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही मिल गया, एंड थैंक्स टू देवेंद्र जी, ये इट्स बिकॉज ऑफ हिम आज उनको लगा और हमारे ऑडियंस को लगा कि ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए, तो ये अवार्ड मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं वो रोना धोना तो नहीं करूँगी, लेकिन ऑफकोर्स मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मेरे खुशी के आंसू अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं। मैं तो उसके बारे में बताइए, देवेंद्र जी का अवार्ड के बारे में आप कुछ बताइए। देवेंद्र जी का अवार्ड काफ़ी अच्छा था और मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट के लिए बुलाया है, मैं उनको एक साल से जानती हूँ और उनका काफ़ी बहुत अच्छे इंसान है वो, एंड बेसिकली आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो एंड वास्तु एक्सपर्ट,
तो मैंने उनका प्रेडिक्शन भी किया है और जो भी चीज़ उनका रहता है डेट एंड अभी जो प्रोग्राम का उन्होंने डेट था वो सारा सिलेक्शन मेरा ही था, मैंने ही उनको सजेस्ट किया था और मैंने उनका एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का चार्ट भी बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो भी काम करते हैं मुझसे पूछ के करते हैं। और लाइफ में एक बहुत सीरियस मतलब रियल अवार्ड है कि मोस्ट ट्रेंडिंग इंडिपेंडेंट तो जब मैंने हरी हूँ मैं स्टार्ट किया था उस टाइम तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं था, वो गाना ट्रेंड हुआ। अब मैंने जो मेरा नया म्यूजिक शुरू किया है ग्लोबल हिंदी करके वो जॉनर है वो स्टाइल है, लेकिन द वाइट एल्बम उसमें ऑलरेडी 3 गाने मैंने रिलीज किए, पहला गाना नंबर 1 पे आया है, दूसरा गाना नंबर 3 पे और कल तीसरा गाना नंबर 18 से 6 पे। तो ये जो अवार्ड मुझे मिला है अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको बुला रहे हैं। तो म्यूजिक तो सब जगह है, आप तो आजकल स्ट्रीम भी कर सकते हो, लेकिन जब बुलाते हैं स्पेशली या आप अवार्ड देते हैं मुझे लगता है कि आपके गाने सुन रहे हैं। आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं? ऑडियंस से कहूँगा कि भाई नंबर सब बहुत अच्छे हैं, वो आजकल का टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको गाने दिल से सुनना है। दर्शक मित्रों के लिए नेक्स्ट बारे में बताइए। भाई देवेंद्र जी ने आज बड़े प्यार से हमें बुलाया, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस अवार्ड में मतलब अक्सर मैं अवार्ड देखता हूँ यहाँ मेरे हॉल में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, पर आज संगीत से जुड़े हुए सभी लोग आए थे और ऐसा कोई अवार्ड ही नहीं था जो संगीत का फनकार नहीं हो, मतलब कुछ मेरे से बहुत ही बड़े थे, कुछ मुझसे महान भी थे, नए कलाकार भी थे। तो देवेंद्र जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ मैं कि जी जो इन्होंने सोचा था वो आखिर करके दिखाया। और एक कलाकारों को मतलब देखिए वैसे तो हमें सही भी अवार्ड देते हैं, मगर ख़ास करके एक म्यूज़िक का ये अवार्ड होना बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि बस ये इसी तरीके से ये अवार्ड करते रहें। इसके अलावा एक कोज इनका मैंने और एक फिल्म इन्होंने बनाई थी आरोही, कमाल की फिल्म बनाई सर, और मैं सोच रहा हूँ कि ये पंचमुखी कलाकार हैं, मतलब जर्नलिस्ट तो हैं ही पत्रकार तो हैं ही और उसके साथ साथ एक सोच बहुत ऊँची सोच है इनकी। और देखिए अवार्ड में जो इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या रखी कि ये म्यूज़िक का अवार्ड मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से किसी ने किया हो, ये अपने आप में पहला अवार्ड है। ये सुनने को मिलता था हमको जब फिल्म फेयर हुआ करता था, जब फिल्म फेयर होता है तो उसमें म्यूज़िक का एक अवार्ड होता है, और ये देवेंद्र जी ने पहला एक सोलो म्यूज़िक का जो अवार्ड निकाला है इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। और इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको भी सबको बधाइयों के लिए मैं कहूँगा, और जिन लोगों को अवार्ड मिला उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि ये इसी तरह बहुत ही अच्छा लगा ये अवार्ड मुझे देवेंद्र भाई ने दिया। जब देवेंद्र भाई मुझे पहली बार मिले थे तब उन्होंने बोला कि म्यूज़िक का एक अवार्ड कर रहा हूँ और म्यूज़िक शो ऑर्गेनाइजर कैटेगरी में आपको देना है। ये कैटेगरी कभी पहले मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन रियल जो म्यूज़िक के लिए काम कर रहे हैं, मैंने बोला ऐसे कोई अवार्ड नहीं रहता, लेकिन उन्होंने बोला कि जो म्यूज़िक के लिए काम करते हैं उनको लिए भी मुझे अवार्ड देना है। मतलब जो इन्होंने बोला है कि बॉलीवुड के लिए ओरिजिनल अवार्ड, तो उसमें भी ये एक सोच रखते हैं कि जो बॉलीवुड के लिए काम या म्यूज़िक के लिए काम करता है उन सबको इन्होंने अवार्ड दिया है। तो थैंक यू सो मच आपने मुझे इसके लिए चुना। थैंक यू ठीक निधि एक बहुत सारो अवार्ड मिलू है, बेस्ट इमर्जिंग म्यूजिकल टैलेंट इमने इमने मने आपू है, अने मने इतली मने इतलो आनंद थियो कि आज मने आ अवार्ड मिलू मारा नवा सॉन्ग माटे तू है मेरा जे अत्यारे रिलीज थियो छे अने यूट्यूब पर ट्रेंड थाय छे 1 मिलियन व्यूज थी गया छे अने रेडियो पर पण टॉप 20 में आवी गयो छे, तो आनंद की खुशी मने तो हजी नहीं थाय। અવોર્ડ લઈએ અને અમારા મ્યુઝિક ને કોઈ રેકોગ્નાઇઝ કરી શકે છે, અને મ્યુઝિકલ જર્નલિસ્ટ થઈ છે આટલા મોટા, કેટલા વર્ષોથી એમને કામ કર્યું છે, મારા માટે
આટલું મોટું સન્માન એમના તરફથી હું તો જેટલું કહું એટલું ઓછું છે. તમને આ પ્રથમ જ એવોર્ડ મળ્યો છે તો એના વિશે તમને કેવી ફિલિંગ છે તમારા? દેવેન્દ્રજીની તો પ્રથમ છે પણ પ્રથમ એવોર્ડ નથી મારું. મને આ સોંગના લીધે ઘણા બધા એવોર્ડ મળ્યા છે તો એના માટે હું બહુ બહુ ખુશ છું. અને બસ આજ પ્રાર્થના કરું છું કે બધા મારા સોંગ સાંભળે અને હું આગળ વધું. તમારા દર્શકોને તમે શું સંદેશ દેવા માંગો? કે કાવ્ય જોન્સને સાંભળો, યુટ્યુબ ઉપર જઈને ટાઈપ કરો અને મારા મ્યુઝિકને તમે પ્રેમ આપો અને હું દિલથી મહેનત કરીને તમારા પાસે પહોંચી શકું મારા મ્યુઝિકને લઈને, એ જ મારી ઈચ્છા છે. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.